কেমন আছো ইউটিউব? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম শীর্ষা গুয়া অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং দ্য ব্ল্যাক বিউটি। सो गाइज, आज का वीडियो यू कैन रीड बाई द टाइटल, इट्स गर्ल्स टॉक वीडियो स्पेशली फॉर माई गर्ल्स आउट देयर। इफ यू आर अ बॉय इट्स ओके, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट सर्टेन गर्ल प्रॉब्लम्स, हाउ टू फिगर दैट आउट एंड ऑल, इफ यू वॉन्ट टू हेल्प योर मॉम, सिस्टर, गर्ल फ्रेंड और एनी गर्ल आउट देयर, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड नोइंग सम गर्ल्स टॉक, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइज, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आउट देयर, आई विल जस्ट टेल जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है और वॉट एवर आई हैव सीन इन द पास्ट और वॉट एवर आई हैव नोन बाई माई टीचर्स, पेरेंट्स या फ्रेंड्स या किसी के भी थ्रू मैंने जाना है या फिर मैंने कहीं पे सर्च करके, गूगल सर्च करके यहाँ से वहाँ से जाना है। सो ये डिस्क्लेमर बहुत अच्छे से याद रखना। मैं आपके बड़े बहन के जैसे आपको गाइड कर सकती या बोल सकती हूँ कि व्हाट कुड बी द आंसर। आई पोस्टेड आस्क मी एनीथिंग ऑन माई आई जी एंड वहाँ पे काफी क्वेश्चंस आया था। वहां से आई टुक आउट 20 क्वेश्चंस जो आज मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। सो या गाइज, लेट्स सी क्या होता है। आई हैव जॉटेड इट डाउन हियर विथ मी, यहाँ से आई विल रीड इट, इट विल बी इजियर फॉर मी। सो या गाइज, लेट्स, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस आंसर करने वाली, आप शायद आपके पेरेंट्स से या किसी से भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इस बारे में, इसीलिए आपने ड्रॉप किया है। आई विल नॉट शो एनीवनस नेम और एनीथिंग बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन दिस की डोंट शो माई नेम, डोंट शो माई नेम, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई नो पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी leads us make so many mistakes in life. So guys, I think I could help you. अगर आपको और कोई भी problem है, if you are thinking something जो you don't know how to figure out, you can just go and DM me या फिर ask me anything दूंगी वहाँ पर या broadcast में जाके ask me anything में कहीं भी आप question कर सकते हो, I will answer them in the next week. So guys, अभी question start करते हैं। The first question is, every tomboy dressing girls are lesbian. I don't know कि क्यों ये concept है, what is basically tomboy dressing, dressing like boyish I guess, and I don't think this is true. मैं भी कभी कभार मुझे लगता है कि let's go for a tomboy look, it is according to our mind or according to our dressing sense. Dressing sense कभी भी किसी के sexuality को I don't think verify करता है। एंड ऑल्सो नॉट ऑल टॉम्बॉयज आर टॉम्बॉय गर्ल्स आर, देर आर अ लॉट ऑफ टॉम्बॉय गर्ल्स, दे मे नॉट बी लेस्बियन। एंड गाइज, डोंट जज समवन जस्ट बिकॉज दे आर ड्रेसिंग अ सर्टेन वे। एंड आई थिंक कि मुझे भी पसंद है कभी कभी कि लेट्स डू टॉम्बॉयश लुक, लेट्स वेयर दिस, लेट्स वेयर दैट, एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। Being a girl doesn't mean you always have to be a certain way, pretty, wear florals, wear crop tops, wear dresses. You can also be tomboyish, I feel. So the first answer I will say, it is not necessary to be a tomboy being a lesbian if a certain girl is dressing like a tomboy. The second question is, saggy boobs due to physical touch. I will say guys, this is the biggest myth you have ever heard. I also have saggy boobs and that is extremely normal. जो generally healthy girls होते हैं, they store fat in their chest, in their back, and that is very normal. And gravity के वजह से हम सब ऐसे नीचे
न्यूटन जिसको आविष्कार किया था. सो आई थिंक दैट दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ. आप अगर नेट में भी सर्च करोगे वहाँ पर भी दिखाएगा दैट इज नथिंग टू डू विथ फिजिकल टच, इट्स मेजरली द फैट. एंड आई विल से कि हमेशा ब्रा पहनने से भी कभी कभी ये चीज़ ठीक नहीं हो पाता है बिकॉज इट इज़ वेरी नेचुरल. इफ यू आर हैवी इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव सैगी चेस्ट. The third one is Gen Z's pressure to be in a relationship. Okay guys, मैं recently one of my best friends के साथ मैं ये discuss कर रही थी because looking at a certain person, she was feeling lonely. She was feeling like she is not having a lot of liberty, she is not having a proper relationship and what not. Basically she was feeling a little bit lonely. इसको लेके मैं एक different video भी बनाऊंगी I feel, because मैं उसे भी ये बोल रही थी and आपको भी एक line में इसका answer दूंगी because I will make a dedicated video for this. Don't pressurize yourself to be in a relationship just because you are feeling lonely. I will say this is a phase. I also feel lonely sometimes, but that doesn't mean I will jump into a relationship just because I feel lonely. I don't know the person, then it will be a mess up situation. I know this for sure. So I will just say take your time, understand the person. If you really want or love or like a person, then only get into a relationship, or else don't waste your time, don't waste a person's time in a relationship, and don't give yourself mental trauma. The fourth question is how to use a tampon or menstrual cup and is it safe to use it. Okay guys, it is very normal to how you can use a tampon or menstrual cup. A lot of people are very scared कि कैसे हम ये inject करें अपने body में. So first let me tell this very very clear that a vagina is a muscle like your other parts of body. It is also a muscle. It can increase its size, it can decrease its size when it needs to do that. So a tampon comes with a gun like thing, matlab you just have to place it inside your vagina and just push it in and it will go inside your vagina. The strings stays out, so whenever you want to take this off 2 to 3 hours uska time rehta, you just have to pull it and it will be out. Ek do bar aapko dar lagega. You can do it when you are squatting or squatting a squat karke insert karna, ya fir aap jab pan mein baith rahe ho that टॉयलेट पैन, देन यू कैन डू दैट बिकॉज इट हेल्प्स यू इन सर्टेन वे. एंड सिमिलरली फॉर द मेंस्ट्रुअल कप, आई यूज मेंस्ट्रुअल कप एवरी मंथ ऑलमोस्ट. देर इज टू टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, सी टाइप विच आई पर्सनली यूज. यू जस्ट हैव टू फोल्ड द मेंस्ट्रुअल कप, पुट इट इन साइड योर वजाइना, इट विल ओपन एंड आई स्वेर इट डजेंट हर्ट. इंस्टेड एक दो दिन आपको लगेगा कि कुछ है अंदर, ऐसा फील होगा, उसका भी नीचे वाला पार्ट बाहर रहता है. यू जस्ट हैव टू पुट योर फिंगर इन साइड, जस्ट स्क्वीज इट एंड टेक दैट आउट. I kid you not, after using a menstrual cup, you will never go back to any other period products. I think menstrual cup is one of the best products. So if you want to use a menstrual cup and if you are scared, just do it, just squat and do it, and I think it will be the best thing you have ever done to yourself. The fifth question is, when should I start dating? Okay guys, I will say this is a very subjective question. There is no age of dating, like there is no age of marriage or no age to do anything. I think dating is something which comes from your heart. You can't stop yourself to love someone. But with my experiences, I will say ki try and date or make a relationship after 18. क्यों बहुत मैं वैसे बहुत old sound कर रही होगी, but I am telling this because 18 आने तक ना हमारी maturity उतना ज़्यादा नहीं होती है. We don't know what is going on. We just want to explore. We are just curious and do certain things. And I will say that leads to mistakes in our life. We don't know a particular person. I know a lot of relationship do work from school life. My parents, touch wood, are
स्कूल टाइम स्वीट हार्ट दे गॉट मैरिड एवरीथिंग इज फाइन, बट आई विल से इन दिस जेंजीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आई डोंट थिंक दिस इज वेरी मच वर्किंग. सो आई विल थिंक कि आफ्टर अ सर्टेन मैच्योरिटी लेवल अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन यू शुड स्टार्ट डेटिंग एंड देर इज नो एज फॉर इट. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. To be confident, the one and only thing is love yourself, love your skin, love your body, love how you look, love how you are as a person. अगर आप खुद को प्यार करोगे आप में confidence अंदर से आएगा कि I am the best, I am confident and don't be over confident उसके वजह से. But confidence only comes with self love. First start loving yourself. I know कि teenage years में हमें बहुत insecurities रहती है, बहुत traumas के वजह से हमें इनसिक्योरिटीज रहती है खुद से फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पॉट्स और बीइंग हैवी और बीइंग अ लिटिल बिट थिन, हैव बूब्स व्हिच आर टू बिग, हैव बूब्स दैट आर सो स्मॉल, डोंट हैव एज, हैव एज. सो आई फील कि लव द वे यू आर. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज विद नो मेकअप ऑन. You can see all my scars. You can see everything. I was fat shamed so much because of increasing weight. That is also another story. But I started loving just the way I am. And I think that made a huge difference in my life. That made me so much more confident. There will be a lot of people who will be stopping you from a lot of things, from being confident and all. But don't listen to them. Just love yourself and you will be good to go. Seventh question is not knowing or wearing makeup okay? Guys, that is absolutely okay. People will judge you for wearing makeup, wearing too much makeup or wearing no makeup. But I will say there is judgment for everything, for your dressing, for how you speak, how you look, how you have a certain habit. And I think that is completely okay. We live in a democratic country and there are a lot of bad people who try to just put us down, confidence low karte hai. So what you can just do, you can just don't listen to them. It's okay not to know makeup. It is not always like makeup janna hi hai because you are a girl. That is not right. You have a lot of muas around you. And sometimes if you want to get ready, you can just look at a video and get ready. Muas bhi available hai. So it is not always important for being a girl and to know makeup. The eighth question is how to create intimate hygiene. This is also a very subjective question. You can just use intimate washes, just have personal hygiene. You can shave, you can just keep the place clean, you can use a tissue paper after going to washroom every time, using the toilet every time, just use a wipe or just a tissue paper to clean the area. Then you can wear cotton panties and all. That is very subjective guys. Agar har cheez ke bare mein baat karna hai intimate hygiene, it will make another separate video. If you want that, you can just comment down. The ninth question is how to stop girls going after your man. Guys, I will just say one thing. You can never stop a girl going against a boy. Similarly for boys, you can never stop a boy going for your crush, your boyfriend, your girlfriend, everything. The thing which you can do is just trust on your partner. If they are good, if they really want you, they will never look at anyone else. Learn this in your life. That is not the problem of the girl going behind your man, or that is not the problem of the boy going behind your girl. It is the problem of your partner. If they cheat on you, that means they have something wrong in themselves and not the other person. It is, if your partner is attractive, no matter what you do to stop others, they will go behind your partner. So it is your partner's responsibility to not make you feel insecure and not go on to them, not slide into their DMs or anything. Question else. Question is, do you feel cheating is
ओके फॉर वंस एंड बेसिकली दिस मीन्स कि चीटिंग को अगर हम माफ कर दे क्या वो ठीक है, आई विल से नो इफ यू डू दिस यू गिव दैट पर्सन द राइट टू चीट अगेन. उसे लगेगा एक बार इसने मुझे माफ कर दिया इसका मतलब और भी मैं करूँगा तो माफ करेगा, ये उसकी नियत में खोट है. आई विल से आई डोंट नो कि जो करते हैं मे बी द पर्सन चेंजेस एंड ऑल, बट आई कांट गो बैक टू अ पर्सन हु चीटेड ऑन मी पर्सनली, सो आई विल से अ नो फॉर दिस. द 11th क्वेश्चन इज ईटिंग आईपीएल ओके. आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अगेन, बट वॉट आई नो दैट जो हमें क्लास 10 में पढ़ाया गया था आईपीएल जस्ट रिवर्स द साइकिल ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन, सो आई विल से दिस इज नॉट सेफ अट ऑल. बट आई डोंट नो वंस और ट्वाइस कंजम्पशन इज ओके और नॉट, बट आई गेस इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स वॉट आई फील. The 12th question is small boobs problem. Guys, I will just say one thing. If a girl is having small boobs and if you are insecure, I will say guys, you are the luckiest girl in the world. Being a heavy chested girl, I have so much problem. मतलब एक मैं बताऊंगी, रनिंग डाउन द स्टेयर्स और सिटिंग ऑन अ रिक्शा, इट इज वेरी ऑकवर्ड, इट इज वेरी पेनफुल, एटलीस्ट फॉर मी इट इज. सो आई विल से यू आर द लकीएस्ट गाइस एंड अगेन लव योर सेल्फ द वे यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू विल नेवर फील लाइक अंडर कॉन्फिडेंट, यू विल ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट इन इट. 13th क्वेश्चन इज डू ऑल बॉयज चीट. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक I don't know about this Gen Z generation what is happening, but I don't feel every human being, not only boys girls do cheat, I know that, but what I will say, there is every time a person cheats, I will say it is not okay, being it a girl or boy, and not all human are same. So I don't think everyone cheats. Question is how to move on from a toxic relationship or a toxic friendship. Just involve in some other work. I think it will help you a lot. मैं personally ये face कर चुकी हूँ. Especially a toxic friendship breakup is hurtful, I know. And only getting into other work. मतलब माइंड को किसी और काम में अगर आप बिजी कर दोगे आप बहुत अच्छी तरीके से इजीली इससे निकल सकते हो. नथिंग इज इजी गाइस, नथिंग इज इजी, स्पेशली अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप से निकलना इज नॉट इजी. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स डोंट हेल्प दैट, यू कांट ट्रस्ट ऑन पीपल एंड ऑल, बट जस्ट मेक योर माइंड बिजी इन समथिंग एल्स एंड जस्ट ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम इट. द 15th क्वेश्चन इज व्यू ऑन Gen Z relationship term. View on Gen Z relationship term. Guys, एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट किया है, मैंने और निष्टू ने, आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज. That is all the Gen Z terms we learn about it and how do I feel, उसमें ही लिखा है. But एक चीज मैं बोलूंगी, I don't relate. I being a Gen Z also I don't relate to them. For me, our relationship is where there is commitment, where I just am into that person. I love a mad relationship, mad in love wala relationship. मतलब मैं उसके लिए पागल हूँ. उतना प्यार है कि मुझे और कोई दिख और लड़के दिखते ही नहीं. मतलब बहुत रॉन्ग साउंड कर रहा है, बट आई थिंक इफ यू आर इंटू अ पर्सन यू आर इंटू देम एंड नॉट एनी वन एल्स. एंड आई गेस दैट बींग अ Gen Z पर्सन आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, आई विल से दिस थिंग. The 16th question is it okay to have white discharge from your vagina? I think this is very normal to have a white discharge from your vagina. वो अगर color थोड़ा different है, that is not white, that is a little bit on a peachy side, or it if it smells foul, then I think you should go and consult a gynec. That means you have a UTI, and or else white discharge before and after periods is very normal, or sometimes it happens as heavy. 17th question is boyfriends over best friends. I don't agree to this. I think there are different
पीपल एंड डिफरेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ. बींग अ बेस्ट फ्रेंड डजेंट मीन्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर बॉयफ्रेंड. आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. आई विल जस्ट गिव अ एग्जाम्पल. इफ यू हैव मदर एंड फादर, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. आई डोंट नो पीपल आर गोइंग टू बैश मी फॉर दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक टू रिलेशनशिप्स, अ मॉम एंड अ डैड टू रिलेशनशिप. आई विल से दे आर बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड सेम गोज ऑन फॉर अ रिलेशनशिप एंड अ फ्रेंडशिप. आई डोंट थिंक एक के लिए दूसरे को छोड़ना इज जरूरी. आई थिंक यू कैन बैलेंस बोथ और एवरी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर. नंबर 18 इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रेप आफ्टर मैरिज. आई थिंक नो वन स्पीक्स अबाउट इट, बट अगेन marriage doesn't give you the right to sleep with a person. I think when both the person are comfortable, then only you can sleep. There is a lot of news I was reading nowadays that a person forces the matlab a husband forces her wife to sleep with him just because they are married. I think you should give that person a particular time. If she is not comfortable, just give her that time. No matter that it is an arranged marriage or a love marriage, or even if it is before marriage, rape is never okay and this is just not done. You can't force yourself on someone. Why do you think teen pregnancy is not happening in India unlike foreign? Okay guys, again don't take me wrong. टीन प्रेगनेंसी डू हैपन इन इंडिया एज वेल. गाँव में आप जाओगे तो वहाँ पे 12-13 साल की लड़कियों को शादी करवाया जाता है एंड ऑफकोर्स दे गेट प्रेगनेंट. बट नो, आई विल से कि इंडिया में द मैच्योरिटी लेवल इज अ लिटिल बिट लेसर देन दैट इन द फॉरेन कंट्री. आई विल से दे आर मोर मैच्योर. एंड ऑल्सो गाइज, दे टेक फॉरेन में बेबीज बिफोर मैरिज एंड अ लॉट ऑफ बेबीज डोंट नो हु देयर फादर्स आर. सो आई विल से कि आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे वैसे टीन प्रेगनेंसी नहीं चलता है एंड दैट इज आई विल से अ वेरी गुड thing in India, because a certain level of maturity is very much needed for motherhood, to be a good mother. I guess that's why. And the last question for today is, period pain is real? I know a lot of boys just make fun, like they have mood swings during periods or they feel painful. Guys, if you bleed for 7 days, how will you feel? I always spoke about this thing in my other girls talk as well. I feel that periods is very painful for few girls and very normal for other girls, and that is how the body is made, and a woman already come with a lot of gynecological problem. That's why a female have a different doctor called gynec to consult, because the female body is very much like, क्या बोलूँ, बहुत प्रॉब्लम्स है फीमेल बॉडी में देन मेल्स आई विल से. एंड पीरियड्स आर वेरी पेनफुल, किड यू नॉट. सो गाइज, आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक इट. इफ यू डोंट, यू कैन डिसलाइक. डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू वॉन्ट टू नो मोर गर्ल्स टॉक वीडियोज, इफ यू वॉन्ट टू सी मोर गर्ल्स टॉक वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड विद दैट वी आर एंडिंग टुडेज वीडियो. बाय.